मैं तो चाहूंगा कि दिनेश जी हमारे डायरेक्टर हैं और वही सब कुछ बताएंगे तो बारीक बातें और ज्ञान मिलेगा आपको। आइए नजीब भाई, आप ही से शुरुआत करिए। ऐसा है कि ये हम लोग का ओटीटी चैनल ला रहे हैं अपना अटपटी, हमारे जो इसके ओनर हैं वो भी आएंगे थोड़ी देर में, और इसमें हम लोग हर तरह की जैसे चलता सारी वैरायटी, मतलब ओटीटी चल रहे हैं उसी तरह सारी वैरायटीज होगी, बट हम उतने वल्गर नहीं रखेंगे जितना और लोग रख रहे हैं। एक अच्छा सोबर वेयर में हम लोग बनाना चाह रहे हैं और ताकि लोग अच्छे तरह से अपने घर में सबके साथ देख सकें और इसका मजा ले सकें। नाम इसलिए मैंने अटपटी रखा कि अटपटा काम करेंगे, अटपटी दिखाएंगे, इसमें लोगों को मजा आए काम करने में और देखने में भी अच्छा लगे। बाकी सब लोग हैं इससे आप जो मेरे कैरेक्टर की तो शुरुआत अभी होने वाली है, जो जिस प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा हूँ उसकी शुरुआत होने वाली है। अभी इन्होंने जो बनाया है वही है दिनेश जी ने, और चूंकि मैं इनके साथ एज ए इनके डायरेक्शन में लगभग कितने साल हो गए, 25-20 साल के आसपास, हाँ 30 साल, मतलब गाड़ी पे बहुत कम से शुरुआत की थी और आज इनके साथ काम करते हैं, फिल्म में भी काम करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और किसी भी एक्टर के लिए इतने लंबे सालों का एसोसिएशन होना बहुत बड़ी बात होती है, डायरेक्टर के लिए भी एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्टर को भी डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसा तालमेल बना रहे। और मैं तो शुभकामना देने आया हूँ क्योंकि हमारी अभी शूटिंग होनी शुरू है, तो और इसका कुछ हिस्सा बहुत एक बहुत बड़ा पार्ट जो है उत्तराखंड में भी रहेगा, तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि इसको और आगे बढ़ाए। देखो मेरा जो विचार है उसमें और बाकी खुल के आप दिनेश जी लोग बताएंगे पूरी टीम से, लेकिन हमारे जो कार्यक्रम होंगे या जिस तरह के कहानी का हम हिस्सा होंगे उसमें हास्य होगा, उसमें व्यंग होगा, उसमें मतलब एक मैसेज होगा, और दूसरा ये उस तरह का नहीं होगा कि हम एक छत एक घर में माँ भी देख सके, बाप भी देख सके, बेटा भी देख सके और पिता भी देख सके, तीनों पीढ़ियां उस मनोरंजन को देख सके, हमारे वो कॉन्सेप्ट इनके साथ शुरू हो जाएगा। ये अभी मतलब लॉन्च तो आज हम लोग कर रहे हैं, विद इन वीक स्टार्ट हो जाएगा सर। अभी फिलहाल फीस नहीं है, फिलहाल फ्री है, हाँ फिलहाल फ्री है, फिर उसके बाद जब धीरे धीरे होगा बड़े डेवलप होगा तो उसके बाद बनाएंगे। न्यू कवर को चांस मिलेगा? हाँ जी, न्यू कवर को चांस मिलेगा, टोटल न्यू कवर को चांस दे रहे हैं हमारे, बाकी जो हमारे पुराने साथी वो साथ में काम कर रहे हैं, बाकी न्यू कवर को ही चांस दे रहे हैं हम लोग। अभी भी हमने जो बनाए हैं दो तीन बनाए हैं जो वो भी न्यू कवर को लेकर ही बनाए हैं। राजकुमार जी से भी पूछिए। हाँ देखिए, जैसा हेमंत भाई ने कहा ऐसे मेरा मामला है, जानते हम बहुत पहले से दूसरे को, मैं और दिनेश जी, लेकिन हमने दिनेश जी के साथ काम कभी नहीं किया, लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द मैं भी हिस्सा होने वाला हूं, और मुझे ये सुनकर के वाकई बहुत अच्छा लगा कि ये ऐसा कुछ बना रहे हैं जो सहकुटुंब सह परिवार देख रहे हैं। तो ये बात आज के जमाने में आज के ओटीटी में बहुत कम सुनने को मिलती है, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं, अटपटी बड़ा ही चटपटी साउंड कर रहा है और ये आगे जाकर के फटपटे की रफ्तार पकड़े। क्या बात है भाई, वाह। हाय गाइस, मेरा नाम विष्णु सिंह है और मैं अटपटी पे जुड़ा हूँ। पहला टीजर लॉन्च हो रहा है तो मेरे साथ ही सबने लॉन्च कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात थैंक यू कहना चाहूंगा दिनेश जी को, जिन्होंने मुझे काम किया और अच्छा काम किया हम लोगों ने मिलकर, और कांग्रेस कहना चाहूंगा अच्छा है, बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुमको। अटपटी चैनल जो आ रही है ये नए कलाकारों को चांस देने के लिए, और नए जो युवाओं हैं युवक हैं उन लोग को ये अटपटी चैनल अपने आप से जोड़ने के लिए। आप नजीक आ जाओ, थोड़ा नजीक आइए, थोड़ा नजीक आ जाओ, उनको भी बोलो इस तरफ आ जाइए, इधर आ जाइए, बोलूंगा। नमस्कार, मैं हूँ जयशंकर त्रिपाठी, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। अटपटी नया चैनल आ रहा है, ओटीटी है और बहुत लोगों को काम मिलेगा, जैसे हम लोग दूसरे चैनलों पे काम कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, सारी जो भी है, इसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के प्रोग्राम बनेंगे जिस तरह से हमारे ये लोगों ने बताया है सीनियर्स,
हेमंत जी के साथ मैंने वेब सीरीज किया है, हेमंत भाई भी थे उसमें, काफी काम हम लोग साथ में कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसमें भी अच्छा काम करेंगे। अच्छे तरह से ये लॉन्च हो रहा है और लोगों को, नए नए लोगों को काम मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों के माध्यम से इनको देना चाहिए। नमस्कार, मैं दिनेश दुबे जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर। तो जैसे कि नाम है ये अटपटी, ऐसा लगता है कि चटपटी जैसे बताया कुछ मुझे भाई ने। और यहाँ पे जो कुछ, क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई अटपटा ही हो रहा है, तो हम अटपटी में अटपटे तरीके से कुछ नई चीज को पेश करेंगे और मनोरंजन ही मनोरंजन। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज ये पूरा माहौल देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा एक और नया घर स्टार्ट हो रहा है। ये चैनल नहीं है बल्कि हमारे लिए घर है, जहां हमें हर तरह की फैसिलिटी मिलने वाली है आगे। मुझे 50 साल हो गए इस लाइन में काम करते करते, मैंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं और ये हमारा चढ़ाव है कि ओटीटी चैनल अटपटी ओपन हो रही है, आज लॉन्च हो रही है। इससे बढ़िया खुशी की बात क्या हो सकती है एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, क्योंकि सबके लिए काम है इस चैनल में। जितनी चैनल चल रही है कहीं ना कहीं हम सब लोग काम कर रहे हैं वहां पर। एक नया चैनल खुल गया है तो और खुशी की बात है। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि मालिक करे इस चैनल के खोलने वाले लोग और नए नए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आवे और चैनल लॉन्च करें और हम लोगों को आगे और बढ़ावे आगे, क्योंकि हमारा फ्यूचर चैनल पर और फिल्म इंडस्ट्री पर डिपेंड कर रहा है। इतने सालों से हम रखड़ खा रहे हैं इस लाइन में, इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं। तो हम बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं कुछ कर पा रहे हैं। वो हो सकता है इस चैनल से हमारा कुछ हो जाए। तो मैं ज्यादा ना बोलते इतना ही कहूंगा कि चैनल को जो चलाएंगे, चैनल में जो स्टाफ है, आप लोग जो सोशल मीडिया, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और चूंकि आज ईद है, ईद का भी मुबारकबाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय एंड जय हिंद। चैलेंज नहीं लगता है मुझे, ऐसा लगता है कि जैसे कामयाबी का पहले पायदान पर मैंने कदम कर दिया है। सबको नमस्कार, ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज ईद के दिन एक नया तोहफा दिया है दिनेश भाई ने हम सबको, हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, सभी कलाकारों को, मीडिया बंधुओं को और टेक्नीशियनों को, डायरेक्टरों को, सभी लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म जब मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अटपटी, एक नए चैनल का आज माशाल्लाह उद्घाटन किया है और इसमें बहुत लाखों लोगों को काम मिलेगा। Yes. हम सबकी, दिनेश जी के लिए और इसके सभी प्रोड्यूसरों के लिए हम सबकी दुआएं हैं ताकि ये पूरा खूब फूले फले और इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिले। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल इंडस्ट्री किस पड़ाव पे चल रही है, आप जानते हैं। फिल्में नहीं चल रही हैं, बहुत से कलाकार, बड़े बड़े कलाकार घर में बैठे हैं, छोटे कलाकारों के पास भी रोजगार नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये एक तरीके से एक रोजगार खुला है। एक जैसे अभी गोयल साहब ने कहा कि दुकान खुली है फिल्म इंडस्ट्री में जो लाखों लोगों को रोजगार देगी। तो मेरी अटपटी चैनल को और हमारे प्रोड्यूसरों को और इसमें जुड़ने वाले सभी लोगों को, हमारे भाई साहब को, गोयल साहब को और जितने भी लोग इससे जुड़े, सबको मेरी खूब सारी दुआएं हैं, खूब सारा प्यार है कि वो सब खूब तरक्की करें, हम सब मिलके साथ में तरक्की करें। और आप सबको भी ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस तरह से आप सब प्यार देते हो असफल लोगों को भी और सफल लोगों को भी, जिस तरह से आप प्यार देते हैं, आप सब भाइयों को बहुत सलूट है, बहुत प्यार है। आप जिस तरह से मेहनत करते हैं, हम लोग तो मेहनत कर करके कभी कभी हिम्मत टूट जाती है, लेकिन जब आप सब प्यार देते हैं तो फिर वापस से हमारी हिम्मत बन जाती है इस इंडस्ट्री में लड़ने के लिए। तो सभी को मेरा खूब सारा प्यार। आप सब खूब तरक्की करें और अटपटी चैनल खूब तरक्की करें और सबको खूब काम मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं
हमारे अटपटी चैनल का जिसने हमें इनवाइट किया, सब लोग यहाँ जुड़े और मैं आशा करता हूँ कि ये चैनल बहुत ऊपर जाए और हम सब बहुत काम करें और भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये ओटीटी हमारे जरिए और दूसरे एक्टर के जरिए बहुत ऊपर जाए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे रमेश गोयल जी का। हम भी बहुत टाइम से इनको देखते आ रहे हैं, बचपन से इनको देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सब अटपटी चैनल डाउनलोड करें और हमारी सीरीज, शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री सब एंजॉय करें और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू। आई आई मैडम आई, आप बाहर क्यों जा रही हैं? डर लग रहा है क्या? नमस्कार, मैं कोलकाता से हूँ। एक्चुअली मैं एक डांस कोरियोग्राफर हूँ, तो एक्चुअली बेंगोली में जो शॉर्ट फिल्म वेब सीरीज जो हो रही है इस चैनल पे, तो देन उसके लिए मेरा ऊपर कुछ दिया हुआ है, मैंने मतलब जमींदारी सौंपा हुआ है, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ जो यहाँ पे आने को बाद इतना अच्छा चैनल पे काम करने को जो सुझा, मैंने मतलब मौका मिला। देन अभी मेरा जो डांस एक रियलिटी शो भी है, खुद का रियलिटी शो है, वो है डांस इज इक्वल टू डांस, वो भी सीजन टू इस चैनल के द्वारा आ रही है, मैंने चैनल पे ही आ रही है। ठीक है, इसमें इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा बात यही है जो मतलब अभी मेरा 5 जो शॉर्ट फिल्म्स है आप देखोगी शायद स्क्रीन में आज देखा देगी, तो वो भी आज रिलीज माने प्रोमो रिलीज हो रही है, इससे ज्यादा मेरा खुशी और कुछ नहीं है। इतना बड़ा चैनल पे मेरा अच्छा अच्छा जो शॉर्ट फिल्म्स है, बेंगोली शॉर्ट फिल्म्स अभी आ रही है, सीरियसली मैं प्रोड्यूसर साहब को और जो सीनियर जो सभी लोगों को जो टीम जितने सारे मेंबर्स है सबको थैंक यू बोलेंगे, और आप लोग को भी थैंक यू जी, आप लोग हम लोग को इतना साथ देने के लिए। प्लीज आप लोग भी हम लोग को सपोर्ट कीजिए, और जितना मीडिया वालों हो, जितना ऑडियंस वालों हो, सब प्लीज हम लोग को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मेरा नाम राहुल सिंह है, इसका तो नाम ही अटपटी है। जिसके नाम में अटपटी हो तो कितना अटपटा होगा वो। और आज के टाइम में हमको अच्छे कॉन्सेप्ट की जरूरत है, आज के टाइम में राइटरों की कमी है क्योंकि अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे, और हमारे अटपटी चैनल के लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ही कमाल के हैं। जब आप लोग ये लॉन्च होंगे, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई क्या चीज है। तो हम सब, हमारे रमेश भाई बहुत सीनियर एक्टर हैं, 25 साल से मैं भी हूँ, हम सब पुराने ही लोग हैं, नया कोई नहीं, पर नए कॉन्सेप्ट हैं, नई चीजें हैं, नई मतलब इमोशंस हैं, राइटर हूँ, तो इसलिए आप सभी से मेरा ये गुजारिश है कि आप सभी लोग अटपटी को आशीर्वाद दें, अटपटी को बहुत आगे लेके जाएं। हम सबकी ये कोशिश है कि हम लोग बहुत आगे जाएं। थैंक यू। मैडम आइए, इधर आइए, बिंदास। हाय, आई एम फ्रॉम कोलकाता। हम लोग बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में हैं, मैं भी हूँ और रोहन भी है, डांस एज ए डांस कोरियोग्राफर और असिस्टेंट डांस डायरेक्टर। तो एक बात बोलना चाहूंगी कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, एक आदमी कुछ नहीं कर पाता, बड़ा कुछ करने के लिए बहुत लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए और वो जेन्युइन लोग चाहिए। ठीक है, तो हमारा जितने भी यहाँ पर मेंबर्स है सब हमारा फैमिली है, अगर हम लोग फैमिली के तरह रहेंगे तो ये कुछ बड़ा हो सकता है, बड़ा होगा, एकदम होगा, होगा एकदम होगा। तो अटपटी के लिए सभी बहुत बहुत ब्लेस कीजिए कि हम लोग बहुत दूर जाए। थैंक यू। थैंक यू। और आजकल अटपटी खबरें, चटपटी खबरें, अटपटी फिल्में, चटपटी फिल्में बहुत आ रही हैं और लोग बहुत देख भी रहे हैं, तो जिस तरह का लोग देख रहे हैं उस तरह का नाम भी है इस चैनल का, अटपटी चैनल। तो बहुत अच्छे कार्यक्रम आए इसमें और लोग इसको देखें और सराहें, और बहुत सारा इनका जो दर्शकों की संख्या वो बढ़ती जाए, यही शुभकामनाएं हैं। मुझे यहाँ बुलाया इसके लिए धन्यवाद। अच्छा, मेरी स्टाइल में क्या जी? कॉमेडी कॉमेडी तो कॉमेडी, आजकल लाइफ में कॉमेडी कॉमेडी चल रही है। आवाज़ जी बिल्कुल,
जरूर, अगर इसको कुलभूषण खरबंदा जी अपने अंदाज में कुछ बोलते अटपटी के लिए तो बोलते, अरे भाई बहुत सारे ओटीटी चैनल आ गए, अब एक नया ओटीटी आया है अटपटी, अटपटी चैनल पर आपको चटपटी फिल्में देखने को मिलेंगी और बहुत ही मजेदार प्रोग्राम होंगे, समझे? क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। सेंटर लुक दीजिएगा। सबसे पहले रवि जी आप काफी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। अटपटी एक चैनल जो आ रहे हो जी, देखिए अटपटी नाम से ही लग रहा है कि कुछ धमाली होने वाला है, कुछ अटपटा ही निकलने वाला है। सो आई विल डेफिनेटली आई हैव कम हियर, मेरी इट्स माय ऑनर कि मैं यहाँ आई हूँ और एक पार्ट बनी हूँ। थैंक यू सो मच सर। और ये दोनों हैं वो करता धरता अटपटी चैनल के, तो आई थिंक इनको कंग्रेचुलेट करना चाहिए, इट्स देयर न्यू वेंचर एंड माई बेस्ट विशेज आर विद यू गाइस। आपको मौका दे रहे कि नहीं दे रहे आपको अटपटी में? देखिए मैं लालच से तो नहीं आई हूँ अब तक, कुछ अभी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बाद में जरूर हम मौके पे मौके चौके पे चौके मारेंगे। मेरी बेस्ट विशेज है दोनों के साथ, दोनों अब देखिए शिव पार्वती की जोड़ी है, तो अगर जोड़ी साथ में काम करती है तो वो काम धमाल वाला ही होता है। सो आई फील माई बेस्ट विशेज आर विद बोथ ऑफ देम, और अटपटी चैनल के साथ हम अटपटी शोज देखने को मिलेंगे शायद, पता नहीं, मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि किस तरह के शोज आ रहे हैं इस चैनल में। मैम को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बुलाए और ये आए। सॉरी आपने अपना होमवर्क ही नहीं किया, तो अभी मेरी फिल्म लगी हुई है ऑलरेडी सेकंड। जी जी, आने वाले अभी रंग दे बसंती वी हैव जस्ट कंप्लीटेड एंड इट्स अ सेकंड वीक गोइंग ऑन, आप लोग सब आए थे उस वक्त भी। अभी मैं कल ही आई हूँ प्रमोशंस करके, सो ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छी प्रमोशंस हुई है एंड बॉक्स ऑफिस में मतलब बहुत सारे रीजन्स में हाउसफुल जा रहा है। And I'm also coming up with another movie with Khesari ji again. कुछ pipeline में है, web series भी है, तो उन सब से जब छुट्टी मिल जाएगी तो इधर अटपटी में आ जाऊंगी। Thank you so much. Thank you guys. Thank you.